मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ईस्टर दिन की बधाइयां करता हूं। विश्व भर में यीशु मसीह की जीवित होने के दिन को बहुत लोग मनाते हैं। पूरे इतिहास को देखिएगा, इस ईस्टर के दिन के दिवस के चलते पूरा इतिहास बदला है। तो प्रभु यीशु की जी उठने के नाम से मैं आपसे बोलता हूं, यीशु जी उठा है, इसलिए सबको ये आनंद का दिन है। उस जीवित परमेश्वर यीशु का आज एक वचन है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 18 वचन में देखेंगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। प्रभु यीशु खुद कहता है, मैं मर गया था लेकिन आज मैं जीवित हूं। इस संसार में देखिए, बहुत लोग अपने आप को खुद को भगवान के रूप में मानते हैं। बहुत सारे अवतार जो है इस दुनिया में आया है, वे सब मर मिटे हैं, आज वो जीवित नहीं है। लेकिन यीशु मसीह मरा है, आज भी वो यीशु जीवित है। वो कहता है, मैं मर गया था, आज मैं जीवित हूँ। मुझे कब्रिस्तान में लोग रखे थे, तीसरा दिन मैं जीवित हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। ये कितनी खुशी की बात है ना। बहुत साल के पहले मैं यरूशलेम में जाने के लिए सोच रहा था। वहाँ पर जाके यीशु मसीह जहाँ जन्मे हैं वहाँ देखना है। इसलिए हम सब मिलके भाई साम जबदुरई, वो हमें सब मिला के वहाँ पर यरूशलेम में ले गए, वहाँ जहाँ यीशु मसीह जन्मे हैं। उस जगह को हम लोग ने जाके देखा था, यीशु मसीह जहाँ अद्भुत काम किए, जिस शहर में यीशु मसीह रहा, वो सारे जगह को हम लोग देखते देखते गए। देखने में इतनी अच्छा था। आखिरी में एक जगह पर जहाँ यीशु मसीह को पकड़े थे, वहाँ पर हम लोग जाके पहुँचे थे। यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह को उस स्थान में रखा गया, वहाँ क्रूस पर जहाँ उनको मार मार के गोलकाता के पास ले गए। उस जहाँ में हमने वहाँ तक गए, उस जहाँ को देखे। इसके पहले यीशु मसीह के बारे में उस बाइबल के वचन से ही उनके दुखों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज लेकिन उसको आमने सामने देखने में मेरा मन में इतना दुख हुआ। वहाँ गोलकाता में जाके हम लोग वहाँ परमेश्वर के प्रभु भोज मनाने के लिए वहाँ बैठे थे। जैसे ही मैं पीछे बैठ के परमेश्वर की उस दुखों को स्मरण करके मैं फूट फूट के विलंब विलंब के वहाँ पर रो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह की दुखों को बारे में बाइबल में मैं पढ़ा था। लेकिन आज उस जगह को देखने के वक्त में मेरे मन रहा नहीं जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था। मैं इतना विलंब विलंब के उस दुखों को स्मरण करके रोया। लेकिन जैसे मैं रो रहा था, अचानक एक बड़ी गर्जने की आवाज को मैंने सुना था। देखो, मैं मर गया था लेकिन आज युगान युग तक मैं जीवित हूं करके प्रभु यीशु मसीह की वाणी को मैंने सुना। मेरे हृदय में नहीं, मेरे कानों में साफ साफ उस वचन को जैसे ही मैं सुना था, मेरे कानों में, मेरा हृदय में, मेरे शरीर में सब उस वचन, उस शब्द गूंजने लगा और मेरा दुख बदल के मेरे मन में आनंद आने लगा। मैंने सोचा यीशु मरा है दुख में, लेकिन उस वचन को सुनने के बाद मेरे मन में दुख नहीं रहा। मेरा मन, मेरा विचार बदल गया और मैं स्तुति करने की भावना में आ गया। प्रभु को मैं आनंद से स्तुति करने लगा। यीशु मसीह मरा नहीं है, आज भी वो जीवित है कह के मैंने प्रभु को पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। आप भी उस सामर्थ्य को आज देखना है। यीशु मसीह आज कहता है, मैं मर गया था लेकिन युगान युग तक मैं जीवित हूँ। शायद शैतान आपका विरोध में है, पूरा जो है अधलोक आपका विरोध में है, पूरे शैतान का ताकत आपका विरोध में है, लेकिन अधलोक पर जय पाने वाला यीशु आपके पक्ष में है। शैतान पर विजय पाने वाला प्रभु यीशु आपका पक्ष में है। इसलिए आपको कहना है, कोई भी दुख या परेशानी, ये शैतान का ताकत मुझे हरा नहीं सकता। कारण यही है, प्रभु यीशु मसीह आज भी वो जीवित है। जैसे ही इस वचन को मुंह से आप कहते हैं, मन में इतनी खुशियां आती है, दिल में परमेश्वर आपको
ताकत से भर देता है। इसलिए आज आपका कहना है, ऐसे ही जब कहते हैं मन में इतनी खुशियां आ जाती है, इसलिए कहेंगे ये यीशु मर गया था। यीशु ने कहा मैं मरा हूं, लेकिन आज मैं युगान युग जीवित हूं। जब इस वचन को कहते हैं आपका मन में एक ताकत आएगा, इसलिए पूरे दिल से आज हम कहेंगे मृत्यु पर जय पाने वाला यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। अधोलोक पर जय पाने वाला प्रभु यीशु मेरे साथ रहता है, उनकी सामर्थ मेरे अंदर रहता है। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से उस अधोलोक पर शैतान पर विजय पाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से स्तुति वो प्रभु। आमीन आमीन।